स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग एंड दिस इज द रिविजन ऑफ नाउन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन इन इंग्लिश एंड दिस इज द हिंदी ऑफ दिस डेफिनेशन. यहाँ पे आपको हिंदी दी गई है इस डेफिनेशन की. अगर आपको इस डेफिनेशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरी है, वो क्वेश्चन जो आपका है, वो आप वहां पे पूछ सकते हैं. बट अगर आप यहाँ पे जो हिंदी है इसकी, इससे भी आपको काफी हद तक जो इसकी मीनिंग है, जो डेफिनेशन की मीनिंग है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी. नाउन. अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो नेमिंग वर्ड्स है, इतना आपको इतनी जो लेंथी है डेफिनेशन, वो याद करने की जरूरत नहीं है. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जितनी भी नेमिंग वर्ड्स हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, वो सब क्या होती है? नाउन होती है. द वर्ड थिंग मीन्स एनीथिंग. अब यहाँ पे देखिए, एक शब्द है जो थिंग मीन्स वस्तु है, एनीथिंग वो कुछ भी हो सकती है, विच कैन थिंक ऑफ, जो क्या हो सकती है, वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में सोच सकते हैं. वो काउंटेबल भी हो सकती है, आप उसे गिन भी सकते हैं. अनकाउंटेबल भी हो सकती है, उसकी गिनती नहीं भी हो सकती है. विजिबल हो सकती है, दृश्य हो सकती है. इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो सकती है. टचेबल, आप उसे टच कर सकते हैं. अनटचेबल, आप उसे टच नहीं कर सकते. इवेंट्स यानी कि जितने भी हमारे जो इवेंट्स होती हैं, वो फीलिंग्स, यहाँ पे जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, वो सारे किसके अंदर आती हैं? नाउन के अंतर्गत आती हैं. अब यहाँ पे आपको इसकी हिंदी दी गई, जैसे संज्ञा वह शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के लिए प्रयोग होता है. ये क्या है? इसकी हिंदी है. एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नाउन के. अब यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पीड हम यहाँ पे ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम जो नाउन है वो हम लेंथी जो बेसिक है उसके हम वो पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं. हम यहाँ पे जस्ट ये क्या है, रिविजन है नाउन का, तो हम यहाँ पे थोड़ा स्पीड से चलेंगे. कंप्यूटर, टेबल, बुक, स्पीकर, फैन, कार, गोल्ड, ग्लास, ये सारे क्या है? हमारी थिंग्स हैं, नेम ऑफ थिंग्स. ये जितने फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? थिंग्स हैं, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनके नेम हैं. दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, स्कूल, कॉलेज, गार्डन, अक्षरधाम, ये सारे क्या हैं? प्लेसेस के नेम हैं, यानी कि स्थानों के नेम हैं. ये दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, कॉलेज, गार्डन, अक्षरधाम, ये क्या है? नेम्स ऑफ प्लेसेस. वर्थिका, खनिका, थॉमसो का, डॉक्टर, गर्ल, प्रिंसेस, क्वीन, ये भी क्या है? पर्सन्स के नेम है. नेम्स ऑफ पर्सन्स, ये पर्सन्स के नेम है. डॉग, कैट, लायन, रैबिट, हॉर्स, डंकी, मंकी, पैरट, बर्ड, नेम्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स. लास्ट में पैरट एंड बर्ड, ये क्या है? बर्ड्स हैं. और जो आपको यहाँ पे आगे दिखाई दे रहे डॉग, कैट, ये क्या है? एनिमल्स हैं. तो ये जो आपको कैटेगरी दिखाई दे रही है लास्ट लाइन में, इस ये क्या है? नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. यानी कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे वो सारे किस में आएंगे? आपके नाउन में आएंगे. बस बशर्ते ये कि जो उसमें डिविजन है उनका, जो कैटेगरी है वो कैसी होगी? थिंग्स में जो वस्तु है वो आ जाएंगे, प्लेसेस में जो हमारे स्थानों के नेम है, जगह के है, वो किस में आएंगे? में नेम ऑफ प्लेसेस में. पर्सन्स, व्यक्तियों के नेम में, यहाँ पे आप देख रहे हैं थर्ड लाइन में. ऐसे ही जो एनिमल्स और बर्ड्स के नेम है वो भी किस में आते हैं? हमारे नाउन में आते हैं. अब हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन. देखिए, जो हमने नाउन की वीडियो बनाई थी उसमें आपको हमने बताया था कि जितनी भी बुक्स में या हम नेट पे कहीं पे भी आप देखेंगे, यूट्यूब पे या फिर आप किसी साइट पे देखेंगे, तो वहां पे आपको जो टाइप्स ऑफ नाउन है उन्हें अलग अलग तरीके से क्या है, आपको वहां पे उनका डिविजन दिखाया गया, उनकी कैटेगरी दिखाई गई है. ठीक है, उनके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं. कहीं हम उन्हें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, दो नाउन हम पढ़ते हैं. बाकी जितने भी हमारे जो नाउन हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? कॉमन नाउन के अंदर. बट अगर हम दूसरी बुक में देखेंगे तो उनका जो डिवीजन है, उनकी जो कैटेगरी है, वो अलग अलग तरीके से आपको दिखाई होगी. तो हमने वो पहले भी बताया था आपको कि हमें जो टाइप्स हैं उससे ज्यादा हमें क्या है, मतलब नहीं है. हमें किससे है ज्यादा जो हमारी मीनिंग है वो किससे है? इस चीज से कि जो हमें कैटेगरी बताई गई है हमें वो क्लियर होना चाहिए कि उसके अंदर एक्चुअल में है क्या. ठीक है, जैसे कॉमन नाउन की बात करी हमने, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन के अंदर हम बात किस चीज की कर रहे हैं. ये नहीं कि कॉमन नाउन किसका टाइप है, क्या है, ये नहीं. आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है. प्रॉपर नाउन में क्या है, क्यों नाम इसका प्रॉपर नाउन है. कलेक्टिव नाउन, इसका नाम क्यों है कलेक्टिव नाउन. ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. अगर आपको उसके नेम से ही क्लियर है तो आप ऑब्वियसली, अगर आपको उसकी जो फिक्स डेफिनेशन है आपको उनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप
अपने अकॉर्डिंग उनकी जो डेफिनेशन है वो बता सकते हैं. अगर आपको उनके वर्ड जो आपको उनके वर्ड्स हैं टाइप्स हैं अगर उनके बारे में आपको पता है तो आप उसे इजीली बता सकते हैं. जैसे कॉमन नाउन, बताइए कॉमन नाउन के बारे में हमने क्या पढ़ा था. चलिए पहले प्रॉपर नाउन बता दीजिए, उसके बाद फिर कॉमन नाउन आपको खुद क्लियर हो जाएगा. प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में हम जो पर्टिकुलर थिंग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं या नेम्स के बारे में. ठीक है, पर्टिकुलर नेमिंग के बारे में हम यहाँ पे बात होती है. ठीक है, पर्टिकुलर नेमिंग मीन्स क्या हो गया, देखिए किसी के नेम आ जाएंगे यहाँ पे, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात होती है. कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में उनकी जाति के बारे में बात होती है. मान लीजिए यहाँ पे किसी राहुल के बारे में बात हो रही है. राहुल क्या है, गर्ल है कि बॉय है. बॉय है, तो बॉय बॉय किस में आ जाएगा कॉमन नाउन में, राहुल किस में आ जाएगा प्रॉपर नाउन में. ऐसी राधिका, राधिका क्या है, गर्ल बॉय, गर्ल है, तो गर्ल किस में आ जाएगी फिर से कॉमन नाउन में. गर्ल जो है उसकी जाति के बारे में बात हो रही थी वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, और राधिका जो है वो किस में आ जाएगी प्रॉपर नाउन में आ जाएगी. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन की. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. यानी कि यहाँ पे आपको जो टाइप्स ऑफ नाउन है वो 6 यहाँ पे आपको बताए गए हैं. बट जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में उसमें टाइप्स ऑफ नाउन 2 थे, बाकी जो कैटेगरी थी वो किसकी थी, कॉमन नाउन के अंदर आ रहे थे. कौन कौन से, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये किसके अंदर आ रहे थे, कॉमन नाउन की कैटेगरी के अंदर ही इनको दिखाया गया था. वहां पे आपको ये सारी चीजें जो है वो शो की गई थी. अब देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी नॉन स्पेसिफिक थिंग. यानी कि एक नॉन स्पेसिफिक थिंग जो है वो क्या है, कॉमन नाउन है. वो पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, एक्सेट्रा. कॉमन नाउन्स बिगिन विद स्मॉल लेटर्स. जो कॉमन नाउन होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता. अब देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर से कौन कौन से नाउन है वो स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कौन से स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ये आपको भी साथ साथ इनके क्लियर होते रहेगा. तो कॉमन नाउन आप याद रखेंगे स्मॉल लेटर. इट बिगिन्स विद कैपिटल लेटर ओनली इफ इट इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. अब ये देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बस ये तभी कैपिटल लेटर में यूज होते हैं जब ये किसी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हो. ठीक है, अगर ये किसी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के रूप में यूज हो रहे हैं तो तब इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, अदरवाइज ये क्या होंगे, स्मॉल लेटर ही इनका यूज होगा. अब देखिए कॉमन नाउन, यहाँ पे आपको इसकी हिंदी में यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे समझाई गई है, इससे आपको और ज्यादा इजिली क्लियर हो जाएगी इसकी डेफिनेशन. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, टॉय, पेन, रूम, गार्डन, मैन, गर्ल, मंथ, डे, चेयर, स्कूल, बॉय, कार आर कॉमन नाउन्स बिकॉज ईच ऑफ दीज नाउन्स रेफर्स टू अ कॉमन थिंग, प्लेस और पर्सन. यहाँ पे देख रहे हैं ये जितने भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए थे ये कॉमन नाउन्स है सभी. क्यों, बिकॉज क्योंकि ईच ऑफ दीज नाउन्स, ये जितने भी आपको यहाँ पे नाउन दिखाई दे रहे, जो प्रत्येक नाउन है रेफर टू अ कॉमन थिंग, ये क्या दिखाते हैं, एक कॉमन थिंग को दिखाते हैं. प्लेस किसी जगह को दिखाते हैं, कॉमन जगह को, और पर्सन किसी कॉमन पर्सन को दिखाते हैं. तो ये क्या है, कॉमन जो नाउन है ये इसकी डेफिनेशन है. नाउ वी आर कम टू इन प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक थिंग. अब यहाँ पे आप इन दोनों में कंपैरिजन करके भी इजीली समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, जो प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करता है, जो कॉमन नाउन है वो नॉन स्पेसिफिक थिंग, पर्सन और प्लेसेस के बारे में बात करता है. और इसी के जस्ट अपोजिट जो प्रॉपर नाउन है स्पेसिफिक थिंग, पर्सन, प्लेस के बारे में बात करता है. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर. जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो तब तो वो 100% क्या है, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा. क्यों, क्योंकि हमें पता है जो भी सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल होता है. बट जो प्रॉपर नाउन है ये किसी के नेम होते हैं स्पेसिफिक पर्सन के, प्लेस के, तो इसका जो लेटर है वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा. अब इसमें प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे स्कॉडा कार, अप्रैल, मंडे, ये सारे क्या है, जो प्रॉपर नाउन है उसके एग्जाम्पल्स है. प्रॉपर नाउन्स बिकॉज ईच ऑफ दीज नाउन्स रेफर टू अ पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन. ये सारे जितने एग्जाम्पल हैं ये प्रॉपर नाउन के हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति, किसी
वस्तु विशेष के बारे में, स्थान विशेष के बारे में और व्यक्ति विशेष के बारे में, यानी कि जहां पर भी पर्टिकुलर थिंग की, प्लेस की, पर्सन की बात होगी, ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और दूसरी चीज क्या याद करनी है इसके बारे में कि ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, इफ अ कॉमन नाउन इज स्पेसिफाइड इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन, बोल रहे हैं कि अगर कोई कॉमन नाउन है, अगर आप उसे स्पेसिफाइड कर दें, यानी कि आप उसे क्या दिखा दें, विशेष दिखा दें कि ये जो कॉमन नाउन है विशेष है, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मंथ इज अ कॉमन नाउन। देखिए, जो मंथ है वो क्या है, हमें पता है कि वो क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि अगर हम अप्रैल, मई, जून इस टाइप से अगर उसके नेम लें तो वो होगा प्रॉपर नाउन, बट हम मंथ बोल रहे हैं तो मंथ क्या है, कॉमन नाउन है। बट If it is specified like April or September, अगर हम क्या बोलते हैं कि April month, September month, अगर हम ऐसा बोले तो ये क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, the proper noun, then it becomes proper noun. Proper nouns are sometimes used as common nouns. देखिए, कई बार ऐसा होता है जो proper noun होते हैं वो कई बार use होते हैं common noun के रूप में। कैसे? देखिए, he is the Dhanvantri of our family, the great आयुर्वेदा डॉक्टर। धनवंतरी कौन है? ग्रेट जो आयुर्वेदा डॉक्टर है वो है। तो ये आप जब, आपने हिंदी में भी ये इसके सेंटेंसेस देखे होंगे कि कैसे जो प्रॉपर नाउन है, यानी कि जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसका यूज आपका कैसे जो है वो समूहवाचक संज्ञा में किया जाता है। ये आप हिंदी में जब आपने ये पढ़े होंगे नाउन, जो आपने संज्ञाएं पढ़ी हैं, तो उसमें भी आपको इजीली समझाया गया है। ही इज द धनवंतरी ऑफ आर फैमिली, कि वो हमारी जो फैमिली है उसका क्या, धनवंतरी से देखिए, अब यहाँ पर धनवंतरी क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, एक ग्रेट आयुर्वेदा डॉक्टर है, आयुर्वेद के महान डॉक्टर के बारे में बात हो रही है। कौन थे वो? धनवंतरी उनका नाम था। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं किससे, किसका, हम किसी के बारे में, फैमिली में एक मेंबर है उसको हम किससे, धनवंतरी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो क्या है, धनवंतरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको, उसकी विशेषताएं बताने के लिए हम धनवंतरी का क्या दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं। तो इस टाइप से अगर हम कभी एग्जांपल देते हैं तो वो वहां पर क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ही इज द धनवंतरी ऑफ आर फैमिली, यहाँ पे क्या है, ये कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है। कलेक्टिव नाउन नेक्स्ट है। कलेक्टिव नाउन, नाउन्स विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, प्लेस, ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एज वन होल आर कलेक्टिव नाउन्स। ये हमने देखा था, कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन है, सारी चीजों का कलेक्शन, और हम उसे एक यूनिट के रूप में, एक ग्रुप के रूप में, पूरे हम उसे एक ग्रुप के रूप में हम उसे दिखा रहे हैं, तो वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ये भी हमने आगे डिस्कस किया था, यहाँ पे इसकी हिंदी आपको दी गई है, इससे आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। क्राउड, देखिए, क्राउड, क्राउड, मॉब, ये सारे क्या है, भीड़। क्राउड, मॉब, इन दोनों की मीनिंग क्या होती है, भीड़ होती है। तो भीड़ क्या होती है, देखिए, भीड़ में क्या होंगे, मेल भी होती है, फीमेल भी होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं। तो ये क्या है, ये सारे किससे मिलके बना है, लोगों से मिलके बनी है भीड़। तो वो क्या है, कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन है, किसका, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का। आर्मी, आर्मी में क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं। ज्यूरी, ज्यूरी में भी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, मैन होते हैं, यानी कि ज्यूरी कौन होती है, जो जस्टिस करते हैं, उनका एक ग्रुप। फैमिली, फैमिली में भी आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे भी मेल, फीमेल, चिल्ड्रन सब हो सकते हैं। तो ये क्या है, ग्रुप है, पर्सन का ग्रुप है। पार्लियामेंट, ऐसे आपने पार्लियामेंट देखी होगी, पार्लियामेंट में वैसे ही कितने हाउस है, दो हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस। तो इसमें भी क्या है, लोगों के जो है ग्रुप है। तो ये भी क्या है, पार्लियामेंट है, ग्रुप के बारे में बात करता है। कमिटी, कमिटी भी एक ग्रुप के बारे में बात करता है। ईच एग्जाम्पल्स डिनोट अ ग्रुप लाइक क्राउड डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल। ये जितने भी आपको यहाँ पे ग्रुप दिखाए गए हैं, ये क्या दिखाते हैं, लोगों की भीड़ को दिखाते हैं, जैसे कि क्राउड दिखा रहे हैं, यानी कि लोगों की ओर ये संकेत करता है, एक से ज्यादा लोगों की ओर। द पुलिस एक्सपोज द क्राउड, जो पुलिस है उसने एक्सपोज किया किसे, क्राउड को। तो यहाँ पे क्राउड, मॉब, जब भी आपको इस टाइप की एग्जाम्पल दिखाई देंगे तो आप, जिससे आपको ये पता चले कि ये क्या है, लोग का समूह है, खिलाड़ियों का समूह है, सैनिकों का समूह है। तो ये समूह की जहाँ पे भी बात होगी वो क्या होंगे, कलेक्टिव नाउन होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्टिव ये बोल रहा है यहाँ पे, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आईवी आप इसे हटा देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। यू कैन सी हियर और टेस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किसी क्वालिटी के बारे में, गुण के बारे में, कार्य के बारे में और किसी अवस्था के बारे में ये बात करता है। यू कैन नॉट सी, आप इसे देख नहीं सकते, किसे,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखेंगे आप उन्हें देख नहीं सकते, उन एग्जाम्पल को हियर और टेस्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप उन्हें हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, यू कैन नॉट सी, सॉरी आप उन्हें देख नहीं सकते, आप उन्हें सुन नहीं सकते, आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको ऐसी जितनी भी चीजें दिखाई देंगी वो किसके अंदर आएंगी, ऐसी जितनी भी थिंग्स हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगी। एग्जाम्पल्स देखिए, गुडनेस, गुडनेस अच्छाई आपको दिखाई देती है, नहीं आपको नहीं दिखाई देती है, तो जो चीजें नहीं दिखाई देंगी वो क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। काइंडनेस, काइंडनेस भी नहीं दिखाई देती है तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डार्कनेस, डार्कनेस भी आपको नहीं दिखाई देती है तो ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, मूवमेंट, जजमेंट, लाफ्टर, यू, चाइल्डहुड, डेथ, पॉवर्टी, ये सभी क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही काउंटेबल नाउन, देखिए काउंटेबल मीन्स होता है काउंटिंग, काउंटिंग से बना, यानी कि जिसकी आप काउंट कर सकते हैं, जिसे आप जिसकी आप गिनती कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल थिंक दैट वी कैन काउंट, ऐसी ऑब्जेक्ट होंगे, पीपल होंगे, थिंग होंगी जिसे आप काउंट कर सकते हैं, वो सब किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे बुक, पेन, स्टूडेंट, डॉक्टर, कैट, वुमेन, कितनी बुक्स हैं आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। पेन, लाइब्रेरी में देखिए लॉट्स ऑफ बुक्स होती है बट आप उन्हें काउंट कर सकते हैं कि वो कितनी है, ठीक है, तो वो क्या हो गई, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ गई। यानी कि आप ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, अनकाउंटेबल। मान लीजिए यहाँ पे आपसे क्या बोला है, यहाँ पे आपसे बोला है, एक एग्जाम्पल दिया था आपको बुक का, ठीक है, बुक आप उसे काउंट कर सकते हैं लाइब्रेरी में जाके कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में। बट अगर आपको बोला जाए कि मिल्क, क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं आप इसे काउंट नहीं कर सकते, इसे आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देखिए काउंट करना और मेजरमेंट करना अलग अलग चीजें होती हैं, माप करना किसी चीज की और किसी चीज की गिनती करना दोनों क्या है, डिफरेंट थिंग्स हैं। तो मिल्क है जो हम इसे काउंट नहीं कर सकते तो ये किसमें आएगा, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, थिंग विच वी कैन नॉट काउंट, ऐसी चीजें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। एग्जाम्पल्स देखिए, मिल्क, सुगर, ऑनेस्टी, वाटर, स्विमिंग, हिस्ट्री, इंग्लिश, इन्फॉर्मेशन, सभी आपको पता है कि आप सुगर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मेजरमेंट कर सकते हैं ऑब्वियसली बट काउंट नहीं कर सकते। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का ना आप मेजरमेंट कर सकते हैं ना आप इसे काउंट कर सकते हैं। वाटर, वाटर को आप मेजरमेंट कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे काउंट की बात हो रही है, ठीक है, जिनको भी आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं फिर उसकी मीनिंग दी गई है, हमें उस सेंटेंस में से आइडेंटिफाई करना है कि नाउन कौन कौन से हैं, ठीक है, उस सेंटेंस में कितने जो वर्ड्स हैं वो नाउन है। अब देखिए, वी ऑल लव ऑनेस्टी, अब यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, आपको पता है ये नाउन नहीं है, ये क्या प्रोनाउन है। इस नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो प्रोनाउन का है तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ऑल, ऑल यहाँ पे नाउन नहीं है, लव, लव भी यहाँ पे नाउन नहीं है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहाँ पे क्या है, नाउन है, आपको पता है। मिस्टर खुराना इज आर इंग्लिश टीचर, यहाँ पे मिस्टर खुराना क्या है, प्रॉपर नाउन है ये। आप ये बताइए ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पे कौन सा नाउन है, क्या आपको दिखाई देती है, क्या आप इसे टच कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। मिस्टर खुराना, मिस्टर खुराना क्या है, किसी व्यक्ति विशेष का नेम है तो यानी कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंग्लिश टीचर, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो टीचर है वो भी क्या है, यहाँ पे कॉमन नाउन है, आप इसे कह सकते हैं। चेयर इज मेड ऑफ वुड, अब यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, चेयर भी है यहाँ पे और वुड, वुड भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। ऐसे जो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू आपको और ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा कि जितने भी आपके सेंटेंसेस है उसमें कौन कौन से वर्ड्स आपके नाउन है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए और आइडेंटिफाई करना आपको ये आना चाहिए कि नाउन क्या है। और इसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, तो प्रोनाउन क्या है आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियोस और इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू नाउन, सो यू कैन आस्क और यू कैन गिव योर कमेंट और फीडबैक। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।